फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो विल स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ लाइसोजेनी इन लैम्डाफेजेस। सो दिस इज पार्ट टू ऑफ जेनेटिक रेगुलेशन इन लैम्डाफेजेस। सो इफ यू हैव नॉट सीन माय प्रीवियस वीडियो पार्ट वन, गो टू माय प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे कि जब लैम्डाफेज एंटर होता है बैक्टीरियल सेल में, सो कौन कौन से जीन एक्सप्रेस होते हैं और कब लाइसोजेनी प्रमोट की जाती है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट लाइसोजेनी। इन द पार्ट थ्री विल सी अबाउट लाइटिक साइकिल। सो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही लैम्डाफेज आपका बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर किया, राइट, ये लैम्डाफेज का डीएनए एंटर किया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया के जो आरएनए पॉलीमरेज होंगे वो फाज के जो लैम्डाफेज के पीएल प्रमोटर और पीआर प्रमोटर पे बाइंड करेंगे। ठीक है, प्रमोटर फॉर लेफ्ट जीन एंड प्रमोटर फॉर राइट फॉर जीन, उस पर जो है बाइंड करेंगे। सो इफ यू रिमेंबर द सर्किट डायग्राम, ठीक है, जो कि प्रीवियस वीडियो में आई हैव शोन यू, तो यहाँ पे जो प्रमोटर पीएल है यहाँ पे बैक्टीरिया का आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और यहाँ से जीन का एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा। जो भी जीन इस प्रमोटर के अंडर में आते हैं वो सारे एक्सप्रेस हो जाएंगे। फिर उसी तरीके से यहाँ पीआर पे करेगा और यहाँ इसके अंदर जो जीन होंगे वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। सो फर्स्ट टाइम में जैसे ही लैम्डाफेज जो है एंटर करता है, तो जो सबसे पहले जीन एक्सप्रेस होते हैं लैम्डाफेज के, वो होता है क्रो, जो कि पीआर के अंडर में एक्सप्रेस होता है, एंड दी एन विच विल बी एक्सप्रेस इन पीएल प्रमोटर। ठीक है, अब क्या होगा कि एज वी नो कि इस एन के बाद आपको टर्मिनेटर सीक्वेंस दिख रहा है, तो ये प्रमोटर अब आगे एक्सप्रेस नहीं करवा सकता जीन को। ठीक है, सो हम अगर चाहते हैं कि आगे के जीन भी एक्सप्रेस हो, सो व्हाट हैपेंस, दिस एन प्रोटीन एक्ट एज अर्ली एंटी टर्मिनेटर। ठीक है, ये एंटी टर्मिनेटर की तरह काम करता है और ये क्या करता है कि इस टर्मिनेशन सीक्वेंस पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज़ जो होगा यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा, यहाँ से बाईपास करके आगे के जीन का भी एक्सप्रेशन करवा देगा। उसी तरह ये एन अर्ली एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन जो है इधर भी बाइंड कर जाएगा इस टर्मिनेटर सीक्वेंस पे भी, तो जिसकी वजह से आपका C2 और क्यू जीन का भी एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि फर्स्ट टाइम में क्या होगा कि जैसे ही एंटर हुआ लैम्डाफेज, उस टाइम पे पीआर के अंडर में क्रो जीन एक्सप्रेस हुआ, पीएल के अंडर में एन हुआ, और फिर इस एन की वजह से बाद में आपका C3 और C2 का भी एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब क्या होता है कि C2 इज फॉर लाइसोजेनी, ये लाइसोजेनिक प्रोटीन है, और क्रो इज अ लाइटिक साइकिल प्रोटीन। सो अब कौन सी साइकिल चलेगी, लाइसोजेनिक चलेगी कि लाइटिक चलेगी, ये डिसाइड किया जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ कंडीशन पे, राइट, कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ कंडीशन है वो गुड है या पुअर है। ठीक है, सो बाय गुड और पुअर ग्रोथ कंडीशन, व्हाट आई मीन कि जब हम कहते हैं गुड ग्रोथ कंडीशन, इट मींस कि बैक्टीरिया में जितने भी जीन हैं वो सारे एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा जीन भी होते हैं वो भी एक्सप्रेस हो रहे हैं, और पुअर ग्रोथ कंडीशन मतलब कि बहुत सारे जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहे होते, इट विल बी इन अ स्टार्विंग कंडीशन। सो जब गुड ग्रोथ कंडीशन है तो फिर वहां पे एक जीन होता है बैक्टीरियल जीन HFLB, वो ट्रांसक्राइब होता है एंड इट विल फॉर्म अ प्रोटीन कॉल्ड एज FTSH। FTSH प्रोटीन बनेगा जो कि एक प्रोटीएज है। तो गुड ग्रोथ कंडीशन में क्या होता है, FTSH प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, और RNAs होते हैं जो कि mRNA को ब्रेक डाउन करते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। ये दोनों हाई होते हैं तो ये क्या करते हैं, FTSH क्योंकि एक प्रोटीएज है तो ये C2 प्रोटीन को जो है डिग्रेड कर देगा। ठीक है, और RNAs C2 के mRNA को डिग्रेड कर देगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि C2 और क्रो दोनों एक साथ बने हुए थे, ठीक है, जैसे ही लैम्डाफेज एंटर हुआ था, तो अब C2 डिग्रेड हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया, तो क्रो का कॉन्सेंट्रेशन अपने आप हाई रहेगा। तो जब क्रो का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो लाइटिक साइकिल प्रमोट होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन द बैक्टीरिया इज इन गुड ग्रोथ कंडीशन, तो उस टाइम पे FTSH RNAs हाई होंगे विच विल ब्रेक डाउन द C2, C2 कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होगा, क्रो हाई रहेगा और लाइटिक साइकिल प्रमोट हो जाएगी। अब अगर बैक्टीरिया की कंडीशन पुअर है, पुअर ग्रोथ कंडीशन है, तो ये दोनों बहुत लो अमाउंट में होंगे, ये बनेंगे नहीं FTSH और RNAs, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, C2 प्रोटीन और C2 का mRNA ये डिग्रेड नहीं होगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा C2 का। ठीक है, और क्रो का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा, तो फिर लाइसोजेनी प्रमोट करवा दी जाएगी C2 के हाई कॉन्सेंट्रेशन की प्रेजेंस में। ओके, सो नाउ वन स्पेशल सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ नोट्स हैं यहाँ पे कि जो HFLB जीन है जो कि FTSH को बनाता था, अगर ये म्यूटेटेड है, ये एक CSIR का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन जो कि आया हुआ है, सो अगर HFL जीन जो कि म्यूटेटेड है तो वो FTSH नहीं बनाएगा। ठीक है, सो FTSH नहीं बनेगा, सो फिर क्या होगा, C2 ब्रेक डाउन नहीं होगा। सो इवन इफ इट इज अ गुड ग्रोथ कंडीशन, अगर आपको लगे जस्ट एक दे दिया जाए कि गुड ग्रोथ कंडीशन है, सो डोंट थिंक कि लाइटिक साइकिल प्रमोट हो जाएगी, नहीं, अगर FTSH नहीं है तो लाइसोजेनी हो जाएगी गुड ग्रोथ कंडीशन में भी, क्योंकि आपका C2 डिग्रेड नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट है C3 के रिगार्डिंग में, यहाँ पे एक जीन होता है C3, ठीक है, इसका भी एक्सप्रेशन होता है, ये प्रोटीन बनाता है, तो इसका काम क्या है कि जो अगर हम कहते हैं FTSH लो है, ठीक है, लेस कॉन्सेंट्रेशन है, तो डोंट थिंक कि पुअर ग्रोथ कंडीशन में ये बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता, होता है कम अमाउंट में, तो जितना भी प्रेजेंट होगा वो C2 को डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, और हम नहीं चाहते कि लाइसोजेनी में C2 डिग्रेड हो, तो उस टाइम पे C3 विल कम एंड एक्ट एज अल्टरनेट सबस्ट्रेट फॉर FTSH, ये FTSH का सबस्ट्रेट बन जाएगा अभी, तो अब FTSH C2 को नहीं ब्रेक करेगा, C3 को ब्रेक करना शुरू कर देगा, तो इन दिस वे C3 विल प्रिवेंट C2 डिग्रेडेशन। ठीक है, C2 का डिग्रेडेशन बचाता है, एंड वी कैन ऑल्सो से C3 स्टेबलाइजेस C2, ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट ही है। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखिएगा। सो अब हमें समझ आ गया कब लाइटिक प्रमोट होती है, कब लाइसोजेनी प्रमोट होती है। नाउ वी विल स्टडी फर्स्ट कंडीशन की जब पुअर ग्रोथ कंडीशन है और लाइसोजेनी होनी है। ठीक है, सो दिस वीडियो इज कंप्लीट अबाउट लाइसोजेनी। सो वी नो कि C2 का कॉन्सेंट्रेशन जब हाई है तो लाइसोजेनी होगी। ठीक है,
अब जो लाइसोजेनी है ये दो स्टेप में होती है, एक लाइसोजेनी स्टेब्लिशमेंट होता है एंड द सेकंड वन इज लाइसोजेनी मेंटेनेंस। सो पहले स्टेप में क्या होता है, हम लाइसोजेनी को स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है, स्टेब्लिश करवाते हैं, प्रोफाज का फॉर्मेशन करवाते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, उस प्रोफाज को मेंटेन रखते हैं। कब तक मेंटेन रखता है लैम्डाफाज, जब तक कि लाइटिंग साइकिल के जीन एक्सप्रेस होना ना शुरू हो जाए या कुछ सिग्नल ना मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये दो स्टेप होगी। तो फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि लाइसोजेनी जो है स्टेब्लिश कैसे होती है। तो इसमें तीन इवेंट्स होते हैं, तीन चीजें होती हैं। पहली चीज है कि जो C2 होता है ना, जो ये C2 प्रोटीन है, इट विल एक्ट एज एन एक्टिवेटर। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्टिवेटर, तो पहले आप यहाँ समझिए, ये जो PLOPR प्रमोटर था ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर था, ठीक है। इसके जो सीक्वेंसेस थे इसको RNA पॉलीमरेज बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर ले रहा था, तो बहुत ये क्या हो रहा था कि इस पर इजिली बाइंड कर रहा था और एक्सप्रेशन होना शुरू हो जा रहा था, ठीक है। बट जो बाकी के जो प्रमोटर है, इफ यू सी दिस PRM, PRE एंड PAQ एंड हियर PI, ये सारे वीक प्रमोटर है। RNA पॉलीमरेज इसे अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, इस पे प्रॉपरली बाइंड नहीं करेगा। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड एन एक्टिवेटर। एक्टिवेटर प्रोटीन आता है वो इन प्रमोटर पे RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्टिवेटर का काम करेगा वो C2 करेगा। C2 का एक्सप्रेशन PR प्रमोटर के अंडर में होगा, लेकिन जैसे इसका प्रोटीन बनेगा ये एक्टिवेटर की तरह काम करेगा और ये बाइंड करेगा डिफरेंट प्रमोटर्स पे। तो सबसे पहला किस पे बाइंड करेगा, ये PRE प्रमोटर पे, जिसको हम बोलते हैं फॉर रिप्रेसर एस्टेब्लिशमेंट। ओके, रिप्रेसर एस्टेब्लिशमेंट, फाइन। ओके, नाउ यहां से ये क्या करेगा, किसका एक्सप्रेशन करवाएगा, इस प्रमोटर से C1 जीन का एक्सप्रेशन होगा। C1 PR प्रमोटर के अंडर में नहीं एक्सप्रेस होता, ये PRE और PRM से एक्सप्रेस होता है, ठीक है। सो PRE से C1 का एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा, और C1 जो होता है एक प्रोटीन बनाता है जिसको लैम्डा रिप्रेसर कहते हैं, और यही बाद में जाके लाइसोजेनी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो C2 का मेन काम बस ये है कि लैम्डा रिप्रेसर के एक्सप्रेशन में हेल्प करना है, इट एक्ट एज एन एक्टिवेटर। सो फर्स्ट स्टेप तो ये करेगा, ठीक है। तो पहला इवेंट जो हुआ, C2 एक्ट एज एन एक्टिवेटर एंड बाइंड्स टू अ वीक प्रमोटर कॉल्ड एज PRE, प्रमोटर फॉर रिप्रेसर एस्टेब्लिशमेंट। और फिर क्या होगा, C1 जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा और C1 जो है लैम्डा रिप्रेसर बना देगा, या इसको C1 रिप्रेसर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी, ये जो एक्टिवेटर प्रोटीन है, अब ये जो है P1 प्रमोटर पे जाके प्रमोटर पे RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। अब इस P1 से क्या होगा, इंट का एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा, इंट अटैचमेंट। इंट क्या है, एक जीन है जो कि इंटीग्रेज प्रोटीन बनाएगा, और इसका बेसिकली काम क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरियल DNA है, इसमें लाइसोजेनी में क्या होता है, लैम्डाफाज जो होता है इससे जाके इंटीग्रेट करता है, ठीक है, और प्रोफाज के फॉर्म में रहता है। तो इस इंटीग्रेशन में जो होता है ये इंट जीन हेल्प करता है, इंट बेसिकली प्रोफाज बनाने में हेल्प करेगा आपको, ठीक है, और अटैचमेंट इट विल प्रोवाइड अ साइट, ठीक है। तो ये इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है इंट जीन, ये एक्सप्रेस होगा। दूसरा आपका ये होता है कि जिस जीन आपको दिख रहा है, एक्सक्यूज मी, सो ये जो जिस जीन है जो कि एक्साइजेज प्रोटीन बनाता है, ठीक है। एक्साइजेज जो होता है मोस्टली लाइटिंग साइकिल में हेल्प करता है, जब भी लाइटिंग साइकिल करवानी है तो यहाँ से लैम्डाफाज को अलग करवा के, इसका DNA अलग करवा के लाइटिंग साइकिल में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लाइसोजेनी में नहीं चाहते हैं कि जिस का एक्सप्रेशन हो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो PI प्रमोटर है ये इंटरनल प्रमोटर है, ये जिस जीन के अंदर ही है, तो इसलिए इस PI से जिस का एक्सप्रेशन नहीं होगा, आधा अधूरा mRNA बनेगा, पूरा एक मैच्योर mRNA नहीं बनेगा। सो इन दिस वे जो ये PI है ये लाइसोजेनी के जीन को एक्सप्रेस करवाएगा, लाइटिक को नहीं करवाएगा। तो नेक्स्ट जो आपकी सेकेंड इवेंट है वो ये है कि जो C2 एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इन जीन फ्रॉम द प्रमोटर PI, ठीक है, और इन प्रोटीन अलाउ इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट जीनोम इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्यू जीन, ठीक है। अब जो थर्ड इवेंट होगा वो क्यू जीन से रिलेटेड होगा। तो इफ यू नो दिस क्यू, ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में जब आपका फाज एंटर हुआ था तो इस प्रमोटर के अंडर में क्या हुआ था, क्यू mRNA का भी क्यू जीन का भी एक्सप्रेशन हो गया था। तो क्यू का mRNA इस डायरेक्शन में बना था, सपोज ये है आपका डायरेक्शन 3 to 5 prime डायरेक्शन में mRNA आपका बन गया था, राइट। अब क्या होगा, क्यू इज अ लेट एंटी टर्मिनेटर, ये इसको हम लेट एंटी टर्मिनेटर कहते हैं। जैसे N जो है अर्ली एंटी टर्मिनेटर था, ये अर्ली जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा। अर्ली जीन मतलब होते हैं कि जो लैम्डा फाज के DNA के रेप्लिकेशन और प्रोफाज में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम लेट जीन या डिलेट जीन कहते हैं, इट मीन्स टू से वो क्या करेंगे कि वो रेप्लिकेशन नहीं करेंगे बल्कि हेड, कैप्सिड, टेल, ये सब फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। सो अगर एक बार क्यू mRNA बन गया तो ये जो है फिर प्रोटीन बना देगा, वो लेट एंटी टर्मिनेटर की तरह काम करेगा, और फिर ये जो क्यू है ना ये यहाँ पे ये TR प्राइम पे ये टर्मिनेटर पे बाइंड कर जाएगा, और फिर यहाँ से जो होगा ये PR प्राइम से लेट लाइटिक जीन एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। सो लाइसोजेनी नहीं प्रमोट होगी, फिर लाइटिक साइकिल प्रमोट होना शुरू हो जाएगी। तो हमें किसी तरीके से इस क्यू का जो mRNA बना है उसे डिग्रेड करना है, वी डोंट वॉन्ट दिस mRNA, ठीक है, ड्यूरिंग लाइसोजेनी साइकिल। बट PR से तो ये बन चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो C2 प्रोटीन जो एक्टिवेटर बना है ये एक यहाँ पे प्रमोटर होता है PAQ, इस पे जाके बाइंड करेगा, और यहाँ से फिर ये क्यू का mRNA बना, अगेन ये क्यू का ही mRNA बनाएगा, बट इस क्यू के mRNA की डायरेक्शन अलग होगी। अगर ये 3 to 5 है तो ये कुछ 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा, उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है, जस्ट एंटी सेंस mRNA बन जाएगा इसका। एंड वी नो कि सेल में कभी भी डबल स्टैंडर्ड mRNA नहीं होता, अगर डबल स्टैंडर्ड mRNA होगा तो वो डिग्रेड करवा दिया जाएगा। सो मेन इस
हाँ, PAQ से क्यों mRNA का जो बनाने का जो मेन मोटो है वो सिंपल सा इतना है कि क्यों mRNA को हमें डिग्रेड करवाना है, ठीक है। सो ये हम काम करेंगे। तो थर्ड इवेंट जो होगा, जो क्यू जीन है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर कैप्सिड फॉर्मेशन और लाइसिस। तो जो क्यू mRNA है वो PR प्रमोटर के अंडर में सिंथेसाइज हो गया था और हमें क्यू mRNA की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने C2 जो है PAQ से डबल स्टैंडर्ड क्यू mRNA बना देगा और डिग्रेड हो जाएगा। तो तीन स्टेप हुई है लाइसोजेनी स्टैब्लिशमेंट में, ठीक है। थ्री इवेंट, फॉर्मेशन ऑफ लैम्डा रिप्रेसर, सबसे पहला CI जीन से लैम्डा रिप्रेसर बनाना, फिर एक्सप्रेशन ऑफ एंड जीन एंड डिग्रेडेशन ऑफ क्यू mRNA। ये तीनों मिलके जो होंगे लाइसोजेनी को स्टैब्लिश करवा देंगे। सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट, प्रोफाज बनेगा और लाइसोजेनी स्टैब्लिश हो गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इन लाइसोजेनी प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप इज लाइसोजेनी मेंटेनेंस। अभी जो प्रोफाज बन गया है अब इसको मेंटेन करके रखना है। अब ये लाइसोजेनी मेंटेनेंस का जो काम है अब सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, लैम्डा रिप्रेसर, जो C1 जीन है ना अब इसके कंट्रोल में आ गया है पूरा लाइसोजेनी को मेंटेन करना, ठीक है। तो C1 जो जीन है हमारा, C1, तो ये क्या करता है ना, यही मेन काम करता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक तो इसके दो काम होंगे, एक तो ये खुद का एक्सप्रेशन करवाएगा, ठीक है, लैम्डा रिप्रेसर बनाएगा, और दूसरा ये क्रो को सिंथेसाइज नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि क्रो जो है लाइटिक साइकिल का जीन है, सो वी डोंट वॉन्ट क्रो, ठीक है। सो अब लाइसोजेनिक मेंटेनेंस में यही दो काम होंगे, ठीक है। सो वी नो दैट ये जो C1 जीन है इसका एक्सप्रेशन पहले PRE से हो रहा था, ठीक है, अब जो है PRM से एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा C1 जीन का। अब ये खुद अपने प्रमोटर से एक्सप्रेस होगा, पहले ये PRE से हो रहा था, अब ये PRM से एक्सप्रेस होगा। तो ये जो PRM एंड PR प्रमोटर जो होते हैं ना, दोनों पास पास ही होते हैं। तो क्या होता है, अगर ये RNA पॉलीमरेज़ PRM से बाइंड करता है तो C1 एक्सप्रेस हो जाएगा लैम्डा रिप्रेसर, अगर ये PR से ही बाइंड किया हुआ है तो क्रो जीन एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो ये PR और PRM प्रमोटर ना दोनों पास पास में, जिस पे भी RNA पॉलीमरेज़ बाइंड करेगा उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो हम लाइसोजेनी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम PRM का लेके चलेंगे, ठीक है, इससे हमारा जो है लैम्डा रिप्रेसर बनेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, दोनों एक सेम टाइम पे नहीं बन सकते, लैम्डा रिप्रेसर एंड क्रो कैन नॉट बी फॉर्म ट्रांसक्राइब एट द सेम टाइम, कोई एक बनेगा एक टाइम में, क्योंकि ये दो साइकिल को रेगुलेट करते हैं, एक लाइटिक को कर रहा है एक लाइसोजेनिक को कर रहा है, सो कोई एक ही एक्सप्रेस होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ वी विल सी कि अब यहाँ पे जो है ऑपरेटर कैसे मेजर रोल प्ले करता है लाइसोजेनिक मेंटेनेंस पे, ठीक है, लैम्डा रिप्रेसर और ऑपरेटर का क्या रोल है। सो अगर आपको ये सर्किट याद हो, सो इस PL प्रमोटर के पास एक ऑपरेटर थे, ठीक है, इसको उसको OL ऑपरेटर, ऑपरेटर फॉर लेफ्ट वर्ड एंड OR ऑपरेटर, ऑपरेटर फॉर राइट वर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और इसमें तीन साइड्स थी, OR 1 2 3, उसी तरह OL 1 2 3, ये तीनों साइड्स थी। सो यू कैन सी अब इन्हीं साइड्स पे क्या होता है, आपका लैम्डा रिप्रेसर या क्रो बाइंड करेगा, जो भी बाइंड करेगा वो साइकिल होगी, ठीक है। अगर लैम्डा रिप्रेसर बाइंड करता है तो लाइसोजेनी प्रमोट होगी, अगर क्रो बाइंड करता है तो लाइटिक साइकिल प्रमोट हो जाएगी, ठीक है। सो वी नो लैम्डा रिप्रेसर जो होता है ये, इसका दो काम है, पहला काम है कि ये जो है ऑपरेटर से बाइंड करके और जितने भी लाइटिक साइकिल के जीन है उनका एक्सप्रेशन ब्लॉक करवाता है और ये खुद की सिंथेसिस को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। सो वी विल सी कि अब हमें ये समझना है कि जो लैम्डा रिप्रेसर, ये क्वेश्चन आता है कि इसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो है लैम्डा रिप्रेसर की ऑपरेटर से कैसे, मतलब अगर आप देख रहे हैं तीन डिफरेंट साइट्स हैं तो किस पे सबसे ज्यादा ये बाइंड करेगा। सो सबसे पहले अगर बाइंड करेगा OR1 या OL1 पे, फिर OR2, फिर OR3, और क्रोजस इसका अपोजिट है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो लैम्डा रिप्रेसर है इसमें दोनों रेगुलेशन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑटो रेगुलेशन, ये खुद को ही रेगुलेट करता है। सो विल सी कि ये कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर लैम्डा रिप्रेसर का जो अमाउंट है बहुत कम अमाउंट में है, मतलब बहुत लिटिल अमाउंट में ये प्रोड्यूस हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये ओआर और ओएल1 से बाइंड करेगा। अच्छा, ये जो है व्हाट यू आर सीइंग इज अ लूप डायग्राम। क्या होता है नॉर्मली, आपका DNA इस तरीके से है, ठीक है, जब भी इस अगर इसे एक्टिवेटर को बाइंड करना है तो ये DNA कुछ इस तरीके से हो जाता है, ऐसे फोल्ड सा हो जाता है, ताकि जो है एक्टिवेटर जो है और पॉलीमरेज आसानी से बाइंड कर जाए, ठीक है, ये सारी साइड पास पास आ जाती है। तो ये जो डायग्राम बनाया है कुछ लूप डायग्राम है ये ऐसा डायग्राम, सीधा सीधा सा है ये। अब ये क्या करेगा, यहाँ से लूप हो जाएगा तो ये दोनों प्रमोटर, दोनों ऑपरेटर, लेफ्ट के ऑपरेटर और राइट के ऑपरेटर पास पास हो जाएंगे। जस्ट लाइक इफ आई कैन शो यू, दिस इज माई फिंगर, लाइक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, जब हमें पास में लाना है तो हम ऐसे कर देंगे, इट विल बिकम लाइक अ लूप, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, जब बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में है तो सबसे पहले जो आपका रिप्रेसर है वो ये फर्स्ट साइड पे बाइंड करेगा, ऑपरेटर की फर्स्ट साइड, ओएल लेफ्ट की फर्स्ट साइड और राइट की फर्स्ट साइड पे बाइंड करेगा। और इसके बाइंड करने से क्या होगा, सबसे पहला काम, ये जो अपने बगल वाले प्रमोटर है, एडजेसेंट प्रमोटर है, PL और PR, इनको ब्लॉक कर देगा और इन पे जितने भी लाइटिक जीन के सिंथेसिस है वो होने नहीं देगा, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन में। पहला काम तो इसने ये किया। दूसरा काम क्या करेगा, ये अपना ही ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो PRM प्रमोटर, इसको बोलते हैं प्रमोटर फॉर रिप्रेसर मेंटेनेंस, पहले PR ही प्रमोटर से एक्सप्रेस हो रहा था, अब ये PRM से एक्सप्रेस होगा। तो इस प्रमोटर को ये एक्टिवेट करेगा, RNA पॉलीमरेज यहां बाइंड करेगा और इस C1 जीन से लैम्डा रिप्रेसर बनना शुरू हो जाएगा। तो लो कॉन्सेंट्रेशन में ये पॉजिटिवली ऑटो रेगुलेट करता है अपने ही जीन को, ठीक है, और लाइटिक को इनहिबिट करता है, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, OR1 से जैसे ये बाइंड किया, फिर क्या होगा कि इस लैम्डा रिप्रेसर में कोऑपरेटिव एक्शन है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक प्रोटीन की बाइंडिंग से जो है दूसरे प्रोटीन की बाइंडिंग एफिनिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, मतलब वो इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर यहाँ पे एक पे बाइंड किया लैम्डा रिप्रेसर तो ये हेल्प करेगा कि दूसरे साइड पे भी प्रोटीन आके बाइंड कर जाए। इट्स जस्ट लाइक अगर
अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए कि कोई मीठी सी चीज रखी है, ठीक है, तो आपने देखा होगा पहले एक चींटी आएगी, फिर उसके पीछे पीछे बहुत सारी आती जाएंगी, ठीक है, तो दैट इज कोऑपरेटिव एक्शन, एक जो है दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये ओआर वन साइड पे बाइंड किया था, ओआर टू पे भी बाइंड कर जाएगा। जैसे ये ओआर टू पे बाइंड किया, पहले ओआर पे वन पे बाइंड करने से इसने क्रो को ब्लॉक किया, इसका सिंथेसिस नहीं हुआ। ओआर टू पे बाइंड करने से, ओआर टू या ओएल टू पे बाइंड करने से इसने अपनी सिंथेसिस करवाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, धीरे धीरे क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट पे एक्सप्रेस हो जाएगा। सो वॉट विल हैपन, ये तीनों साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, विल सी इन द नेक्स्ट डायग्राम। जैसे तीनों साइड को ऑक्यूपाई कर लिया इसने, यू कैन सी हियर, सो अब क्या होगा, ये अपनी सिंथेसिस को भी ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ से एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत अब लैम्डा रिप्रेसर की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो ना ही ये खुद एक्सप्रेस होगा ना ही ये क्रो को एक्सप्रेस होने देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये अपनी सिंथेसिस को पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव वे में जो है मेंटेन करता है, और लाइसोजेनी इस तरीके से मेंटेन होती है, रहती है। अब जब भी लाइटिक करवाना है, आप यहाँ से लैम्डा रिप्रेसर को हटा दो और फिर क्रो को बाइंड करवा दो यहाँ पे, तो लाइटिक परफॉर्म हो जाएगी, एंड दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर दिस वीडियो दिस मच इज सफिशियंट, ठीक है। सो ये था कि लाइसोजेनी कैसे स्टैब्लिश होती है, कैसे मेंटेन होती है। अब कभी कभी लैम्डा रिप्रेसर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जाती है, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो फर्स्ट पॉइंट है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर दोनों है जीन एक्सप्रेशन का। अराउंड 236 अमीनो एसिड रेसिड्यूज का बना होता है, उसका शेप जो होता है डंबल शेप होता है। सो आई एम नॉट वेरी गुड इन, सो आप जैसे समझ लीजिए डंबल कैसा होता है, उस शेप का होता है, ठीक है। ये हमेशा डाइमर के फॉर्म में होता है और होमोडाइमर होता है, ठीक है। तो इसकी जो डाइमराइजेशन डोमेन है वो सी टर्मिनल है। तो अगर ये प्रोटीन है आपका, तो अगर ये सी टर्मिनल है इसका और ये एन टर्मिनल है, तो यहां से ये डाइमर बनाना फॉर्म करेगा। तो ये डाइमर होता है और बाइंड करता है टेट्रामर के फॉर्म में। सो एक डाइमर आपका इधर बाइंड करेगा लेफ्ट ऑपरेटर पे, एक डाइमर आपका राइट ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। तो इस तरीके से बाइंडिंग होगी, ठीक है। और जो इसका एन टर्मिनल है, सपोज दिस इज अ एन टर्मिनल, ये एन टर्मिनल है, तो यहां से ये डीएनए पे बाइंड करेगा, जो लैम्डा 5 का डीएनए है तो वहां पे बाइंड करेगा। तो जो यहां से बाइंड कर रहा है, दिस इज एन टर्मिनल, यहाँ पे भी एन टर्मिनल है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, एक कॉन्सेप्ट होता है डीएनए बाइंडिंग डोमेन या डीएनए मोटिव्स, जो कि आप अलग से यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में पढ़ेंगे। तो इसमें कौन से मोटिव होते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर इट हैज हेलिक्स टर्न हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका जो मोटिव होता है वो हेलिक्स टर्न हेलिक्स होता है। फॉर नाउ अभी के लिए आप बस ये याद रख लीजिए कि कैसा होता है। इसमें कोऑपरेटिविटी होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है, ठीक है। सो कोऑपरेटिविटी क्या होती है, आई हैव टोल्ड यू। और इसकी बाइंडिंग अफिनिटी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो एफिनिटी है वो ओआर वन से, बहुत कम अमाउंट में भी ये ओआर वन या ओएल वन पे बाइंड कर जाएगा, फिर थोड़ा इंक्रीज होगा तो ओआर टू पे, और सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा तब ओआर थ्री पे बाइंड करेगा, ठीक है। क्रो की जस्ट अपोजिट होगी। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा लाइटिक और लाइसोजेनिस कैसे होती है लैम्डा 5 में। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी अबाउट लाइटिक साइकिल। थैंक यू।